नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका सबका स्वागत है। आज का वीडियो यूजर पोजीशन सेंसर टेस्टिंग के बारे में, तो ये किस तरह का वर्किंग करता है उसका पूरा टेस्टिंग आज इस वीडियो में अपन करने वाले। तो इसका थोड़ी सी यूजर पोजीशन यूजर जो है ये किस तरह का वर्किंग करता है ये आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। ये टर्बो चार्जर से जो फिल्टर होके जो गैसेस निकलता है वो नीचे के साइड से वाल्व ओपन होने के बाद ये साइड से इनटेक मैनिफोल्ड को ये गैसेस प्रोवाइड करता है। मगर ये जो इसका वाल्व का पोजीशन जो है ये अप और ऑन पोजीशन में ईसीएम को ये सेंसर सिग्नल प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये वाल्व बंद है या ओपन है तो ये दोनों ही सिग्नल ईसीएम को प्रोवाइड करता है। शुरुआत के मॉडल में ईसीओ को सप्लाई आता था, अब ईसीएम आया है तो ये ईसीएम को, अभी ये लेटेस्ट वाला सेंसर है ये ईसीएम को सप्लाई प्रोवाइड करता है। इसमें तीन टाइप का पिन लगाया हुआ रहता है, एक इसमें पॉजिटिव सप्लाई आता है 5 वोल्ट, दूसरा इसका सिग्नल वायर रहता है और तीसरा एक इसका ईसीएम का ग्राउंड रहता है। तीनों वायर इसमें ईसीएम से आया होता है। ये इसका कॉलर लॉक लगा रहता है, हाइड्रोलिक प्रेस करके इसको ईजर वाल के ऊपर फिटिंग किया हुआ रहता है। ये देखो मैंने इसका लॉक पूरा खुला हुआ है। इसका डायफ्राम के ऊपर इसका लोकेशन रहता है, जब भी वाल ओपन होता है तो ये इसका सेंसर का निडल जो है यहाँ अंदर के साइड में प्रेस हो जाता है और क्लोज पोजीशन में ये बाहर के साइड में निडल इसका आया हुआ रहता है। ये देखो इसके अंदर का स्प्रिंग है, उसके ऊपर ही इसका लोकेशन रहता है। जब भी वैक्यूम मॉड्यूलेटर इसका वैक्यूम खींचना शुरू कर देता है तो इसका डायफ्राम ऊपर के साइड में आता है, तभी ये निडल इसका अंदर के साइड में जाता है और ये ईसीएम को सिग्नल प्रोवाइड करता है। इसी तरह का इसका वर्किंग रहता है। इसका आज अपन टेस्टिंग करने वाले, तो इसका पहले आपको इसका तीन पिन की आपके थोड़ा सा आपकी जानकारी देता हूँ। इसमें तीन पिन आता है, इसमें लिखा हुआ रहता है ए बी और सी। ये इसका पावर सप्लाई 5 वोल्ट पावर सप्लाई आता है। बी बी में इसका सिग्नल वायर रहता है और सी को ये इसका ईसीएम का ग्राउंड रहता है। आपको इसको फिर आपको डीप में थोड़े से आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ये नंबर इसका 5 वोल्ट पावर सप्लाई इसमें ईसीएम का आता है। बी का इसका सिग्नल वायर रहता है ईसीएम का और सी टाइप इसका ईसीएम का ग्राउंड रहता है। ये 12 वोल्ट पे बिल्कुल ही काम नहीं करता, ये सेंसर 5 वोल्ट पे ही वर्किंग करता है। इसको पावर सप्लाई की ज़रूरत गिरती है। अभी इस व्हीकल के लिए इसको मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको ऑन टेबल आपको इसका टेस्टिंग करवा रहा हूँ। ये इसमें रेड कलर का मैंने वायर ये पिन को लगाया हुआ है, नीला वायर जो है ये सी बी को लगाया हुआ है और सी ये इसका ग्राउंड लगाया हुआ है। इसका रेजिस्टेंस वैल्यू आपको दिखाता हूँ। मैंने ये मल्टीमीटर का 20K पर रखा हुआ है, ये इसका और बी का, ए और सी का, सी को मैंने ग्राउंड दिया हुआ है। ये देखो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाता है। ये आप पोजीशन में इसको मैंने कोई भी वोल्टेज दिया नहीं, आपको इसका रेजिस्टेंस वैल्यू मल्टीमीटर से मैं चेक कर रहा हूँ। ये देखो 3.84 इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है। इसका मल्टीमीटर का मैंने ये सिग्नल वायर को इसका ग्राउंड दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू देखे कितना आता है। ये देखो 3.29 इसका रेजिस्टेंस वैल्यू दिखा रहा है। मगर ये देखो मुझे सेंसर को कोई भी ऑपरेटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि इसको पावर सप्लाई अभी तक मैंने दिया हुआ नहीं। तो ये आप क्या करेंगे, मैंने इसको
सी पिन को इसका ग्राउंड दिया हुआ है और मैं मल्टीमीटर का पॉजिटिव जो कॉल है तो ये सिग्नल वायर को दिया हुआ है। तो इसको देखो, ये 0.83 का इसका रेजिस्टेंस वैल्यू दिखा रहा है। जब भी सेंसर इसका वाल्व इजर वाल्व ओपन हो जाता है तो ये देखो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाता है, यानी ये ईसीएम को सप्लाई 3.83 तक प्रोवाइड करता है। जब भी वाल्व क्लोज होता है तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू फिर से कम हो जाता है। तो इसका भी मैं आपको इसका पावर सप्लाई की ज़रूरत है, इसलिए मैंने टेस्टर से इसका 5 वोल्ट का इसका मैंने पावर सप्लाई लिया हुआ है। ये रेगुलेटर टेस्टर का 5 वोल्ट मैंने इसमें दिया हुआ है, इसमें ये पिन को मैंने पावर सप्लाई दिया हुआ है और सी को मैंने इसका ग्राउंड दिया हुआ है। आपको इसका टेस्टिंग करवा रहा हूँ। ये देखो इसमें 5 वोल्ट का पावर सप्लाई अपन देने वाले। तो ये मैंने अभी सेंसर को इसका पावर सप्लाई दिया हुआ है, खाली सिग्नल का वायर मैंने खाली छोड़ा हुआ है और निगेटिव क्वाड 20 मल्टीमीटर का मैंने 20 वोल्ट पे रखा हुआ है। तो ये देखो इसका आप वोल्टेज दिखाता हूँ। ये देखो इसका मैंने सिग्नल वायर को मल्टीमीटर का क्वाड जोड़ रहा हूँ। ये देखो 0.89 के करीबन इसका पावर सप्लाई इसमें आया हुआ है। जब भी इसका इजर वाल का वाल ओपन हो जाता है तो ये देखो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू इसका वोल्टेज इसका बढ़ जाता है। तो ये देखो 3.14 15 तक इसका रेजिस्टेंस वैल्यू इसका बढ़ जाता है। तो ये सेम को सिग्नल देता है। जब भी अभी इसका पावर सप्लाई मैंने ऑफ किया हुआ है तो इसका भी देखो कोई भी इसमें पावर सप्लाई नहीं जाता है, मगर अभी इसका रेजिस्टेंस के वैल्यू को दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। मैं मल्टीमीटर को 20K पे रखा हुआ, 20K ओम पर रखा हुआ है। ये देखो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू दिखाने लगा। ये देखो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू जब भी वाल्व ओपन हो जाएगा तो ये बढ़ने लगेगा। इस तरह का ये इसका वर्किंग रहता है। इसको मैंने अभी 20 वोल्ट पे रखा हुआ है। ये मैं सेंसर पावर सप्लाई देने की कोशिश किया हुआ है। ये देखो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 0.85 तक दिखा रहा है। जब भी वाल्व ओपन हो जाएगा तो ये देखो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू वोल्टेज इसका बढ़ जाता है। ये 3.86 तक इसका सिग्नल वायर को इसका पावर सप्लाई आता है। इसी तरह का इसका वर्किंग रहता है।